हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं ISCL के बारे में, द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड के बारे में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट टाटा ग्रुप ने ही किया हुआ है। चलिए हम चलते हैं ISCL की वेबसाइट पे। जो ISCL के फाउंडर थे वो थे आपके जमशेद जी टाटा, एंड एक्स चेयरमैन है JRD टाटा, एंड चेयरमैन एमिस्टर्स हैं मिस्टर रतन टाटा। तो इनका एक कोट है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फॉर वॉक टुगेदर, अगर आप फास्ट चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो आप साथ साथ ही चलें। तो ये है टाटा ग्रुप का होटल, सी है ये, फाउंडेड बाय जमशेद जी टाटा इन 1868। इसके जो इस होटल को इन्होंने फाउंड किया था वो 1868 में किया था। फर्स्ट चैन ऑफ लग्जरी होटल, लग्जरी होटल में ये पहला होटल्स है। फर्स्ट पावर प्लांट इन इंडिया एंड फर्स्ट पैसेंजर कार इन इंडिया। जो इनके ग्लोबल लीडर है, TCS है, टेटले है, टाटा है, जगुआर, टाटा स्टील एंड टाइटन, टाटा केमिकल्स, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ हम चलते हैं अबाउट अस पे। फाउंडेड बाय जमशेद जी टाटा इन 1868, द ग्रुप इज अ ग्लोबल एंटरप्राइज कंप्राइजिंग ओवर 100 इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग कंपनीज। तो हमारा फोकस ये है कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी वेबसाइट को या कंपनीज के बारे में ज़रूर पढ़ें। डायरेक्टली आप किसी भी शेयर में ऐसे इन्वेस्ट ना कर दें किसी कंपनी के बारे में जाने बिना। तो यहाँ आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, ए हिस्ट्री ऑफ माइलस्टोन। यहाँ हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ माइलस्टोन्स। 1899 में द इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड ISCL इज इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि 1899 में ISCL शुरू हुई थी एंड 1903 में उन्होंने अपना पहला होटल लॉन्च किया था ताजमहल के नाम से मुंबई में। 1970 में टेक्स ओवर मैनेजमेंट ऑफ ताज लेक पैलेस उदयपुर एंड रामबाग पैलेस जयपुर। 1974 में लॉन्चेस फॉर एगुआडा द फर्स्ट 5-स्टार डीलक्स बीच रिसोर्ट इन गोवा। इन्होंने गोवा में अपना एक और होटल लॉन्च किया था जो कि 5-स्टार था। 1979 में अफ्रीका की तरफ गए, ताज पेमोटजी द्वास्का जम्बिया। 1998 में ओपन ताज एक्सोटिक इन बेंटोआ श्रीलंका, श्रीलंका में भी इन्होंने अपना एक होटल ओपन किया। 1982 में इन्होंने एक्वायर किया सेंट जेम्स कोर्ट इन लंदन, जो कि लंदन का एक होटल था। द ताज पैलेस इन्होंने न्यू दिल्ली में भी ओपन किया जब एशियन गेम चल रहे थे। 2000 में इस्टेब्लिश द ताज GVK होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड इन हैदराबाद। जैसा मैं आपको बता दूं, ताज जीवी के भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो कि GVK ग्रुप के साथ टाटा ग्रुप का जॉइंट वेंचर है होटल्स इंडस्ट्री में। 2001 में लॉन्चेस ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा इन मालदीव, मालदीव में भी इन्होंने अपना होटल लॉन्च किया था। 2004 में लॉन्चेस ताज वेलिंगटन म्यूज लग्जरी रेसिडेंस इन मुंबई। 2005 में फॉरेन इनटू न्यूयॉर्क अस विद ए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू ऑपरेट द फेरे रीस्टोर उमेद भवन पैलेस इन जोधपुर। 2007 में इन्होंने एक्वायर किया था रिट्ज कार्टन इन बोस्टन US, लेटर रिनेम्ड द ताज बोस्टन। इन्होंने बाद में होटल का नाम चेंज करके ताज बोस्टन कर दिया था, जो कि US में है। लॉन्चेस ताज चैम्पटन पैलेस इन सैन फ्रांसिस्को।
2010 में इन्होंने लॉन्चेस ए न्यू ब्रांड विवांटा बाई ताज सेलिब्रिटीज द रीओपनिंग ऑफ द ताज महल पैलेस इन मुंबई आफ्टर द टेररिस्ट अटैक्स ऑफ 2008। जब 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था ताज महल जो इनका होटल था इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया था। एंड 2008 में इन्होंने 2010 एंड 2012 में लॉन्चेस ए फ्री टू ईयर हॉस्पिटैलिटी ट्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल फैमिलीज। इन्होंने 2 साल की जो होटल में ट्रेनिंग होती है उसको इन्होंने फ्री रखा था जो लोग गरीबी की लाइन में आते हैं या फिर जो लोग बीपीएल के अंडर आते हैं। 2014 में रीब्रांड एंड रीपोजिशन ताज 51 बंकीगम गेट सूट्स एंड रेजिडेंस एंड सेट जेम्स कोर्ट ए ताज होटल लंदन अंडर द लग्जरी ब्रांड। तो आपको जरूर एक बार ये माइल्स स्टोन पढ़ने चाहिए। ये हम अबाउट पे आ चुके हैं। यहाँ इनकॉर्पोरेटेड बाय द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप जमशेदजी टाटा द कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट होटल द ताज महल इन बॉम्बे इन 1933। IHCL हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 196 होटल्स इंक्लूडिंग 40 अंडर डेवलपमेंट ग्लोबली अक्रॉस 4 कंटिनेंट 12 कंट्रीज एंड इन ओवर 80 लोकेशन। तो जो IHCL का पोर्टफोलियो है उसमें इनके 196 होटल आते हैं जिसमें से 40 का डेवलपमेंट चल रहा है ग्लोबली एंड 12 कंट्री में इनके 80 लोकेशन में भी इनके होटल्स हैं। इसकी IHCL की शुरुआत हुई थी 1899 में। एंड इस ग्रुप को 115 ईयर से ज़्यादा टाइम हो चुका है। 12 से ज़्यादा कंट्री में है IHCL के होटल एंड 100 से ज़्यादा लोकेशन में 70 से ज़्यादा स्पा है 200 से ज़्यादा होटल्स हैं 400 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है एंड 25,000 से ज़्यादा रूम्स हैं एंड 24,000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं। एंड यहाँ मैं ब्रांड की बात करूँ तो इनका जो ब्रांड है वो है आपका ताज है। ताज के 88 होटल्स हैं एंड 54 डेस्टिनेशन में है 13,018 की है इनके सेलेक्शंस हैं इनके 14 होटल हैं 1,250 की है एंड 11 डेस्टिनेशन पर हैं। विवांटा की बात करें तो विवांटा के 32 होटल्स हैं एंड 3,954 की है एंड डेस्टिनेशन 26 है। एंड हम जिंगर की बात करें तो जिंजर में 64 होटल्स हैं एंड 4,894 कीज है एंड 41 डेस्टिनेशन यानी जगह पर है। इनका एमा स्टाइल्स एंड ट्रेल्स है इनके 9 बंगलो है 33 कीज है एंड 2 डेस्टिनेशन यानी 2 जगह पर है। एंड वॉल्यूम कैटरिंग में ताज 60 है इनका एंड एक्सप्रेशन में इनकी रिटेल सर्विस है जीवा के नाम से खजाना सैलोन फूड एंड बेवरेज एंड द चैम्बर्स। अदर सर्विस में ताज हॉलीडेज है ताज एक्सपीरियंस गिफ्ट कार्ड है। एंड यहाँ ब्रांड की बात करें तो इनके ब्रांड हैं ताज एंड सेलेक्शन विवांटा जिंजर एक्सप्रेशन एंड ताज साट्स। एंड मैं अबाउट ताज की बात करूं तो ताज की जो इनकॉर्पोरेशन हुई थी यानी शुरुआत हुई थी वो 1903 में हुई थी। यहाँ हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी इन लोग इन चीज़ों की होटल्स की इसकी तो यहाँ मैं आपको व्यू दिखा दूं। तो यहाँ हम रिव्यू की बात कर रहे हैं तो ये इनका व्यू है इनका जो जगह जगह इनके होटल्स हैं
एंड सेलेक्शन की बात करूं तो ये सेलेक्शन का व्यू है, ये सेलेक्शन का व्यू है। आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या क्या नए इनोवेशन कर रही है, कंपनी क्या क्या डेवलपमेंट कर रही है। ये इनका विवांटा का रिव्यू है एंड ये जिंजर का रिव्यू है। तो ये आपको बेसिक चीज जरूर देखनी चाहिए। एंड सेकंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ISCL द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। एंड वीडियो को शेयर भी करें जिन लोगों को द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, ये शेयर NSE पर ट्रेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।